रिपैकिंग हो रही है मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज ताहिर दाद। और यार कोई कंपनी जो है कोई किसी फोन को निकालती है 40,000 रुपए का, और आप जब मार्केट जाते हैं किसी भी कंपनी के ऑफिशियल आउटलेट के ऊपर, तो वो फ़ोन आपको 40,000 का ही मिल रहा होता है, बल्कि वो आपसे 1 रुपये ज़्यादा ले लेते हैं, 1 रुपये कम नहीं करते, क्योंकि जो ऑफिशियल प्राइस होती है वो 39,999 होती है। लेकिन आप उसी सेम मार्केट के अंदर जब हमारे लोकल डीलर जो होते हैं, जो लोकल शॉप वाले होते हैं, उनके पास जाते हैं, तो वो वही सेम फ़ोन आपको डब्बा पे 37,000-37,000 रुपये का दे देते हैं। यार तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या वो अपना नुकसान करके आपको फ़ोन दे रहे हैं? वेल, नुकसान अपना कोई भी नहीं कर रहा, समटाइम वो आपको भी लूट लेते हैं, लेकिन आपको आइडिया ही नहीं लगता, आपको लग रहा होता है कि यार हमें फ़ोन सस्ता मिल गया है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इस पूरी सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे कि इसके पीछे क्या रीजंस है, क्यों आपको जो है फ़ोन सस्ते मिल जाते हैं। तो इसके पीछे कुछ मल्टीपल रीजंस हैं, कुछ अच्छे हैं और कुछ बहुत बुरे हैं, तो मैं सारे आपको रीजंस बताऊंगा। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें। मैं इस चैनल के ऊपर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्मार्टफोन के रिव्यूज़, फ़ोन की कैमरा टेस्टिंग और गेमिंग टेस्टिंग वगैरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले रीज़न तो कंपटीशन है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ वीवो Y51S की, तो उसकी जो ऑफिशियल प्राइस है वो है 39,999, और कंपनी जो है उसी प्राइस में बेच रही है। अगर आप वीवो का आउटलेट पे जाएंगे तो वो आपको इसी प्राइस के अंदर देंगे, लेकिन शॉपकीपर जो है उसे कोई 36,000 रुपये का दे रहा है, कोई 37,000 का दे रहे हैं। तो देखिए, अगर वो 36-37 का दे रहे हैं तो वो अपना नुकसान नहीं कर रहे। उनको जो वीवो Y51S आया है वो डीलर्स को जो है तकरीबन 34,500 का आया है या 35,000 का आया है। मैंने जिस डीलर से पूछा था, उन्होंने तो मुझे खैर 34,500 की प्राइस बताई थी कि उनको इतने का पड़ा है। तो अब वो ये करते हैं कि यार कंपनी उनको, फॉर एग्जांपल, उन्होंने कंपनी ने उनको फ़ोन जो है 35,000 रुपये का दे दिया, और उनको बोला कि यार आप 5,000 रुपये कमीशन रखो और 40,000 का बेचो, और हम भी 40,000 का बेच रहे हैं। अब वो उनकी मर्ज़ी है कि यार वो 40 का बेचें, 39 का बेचें, 38,000 का बेचें। तो ज़्यादातर डीलर ये करते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत है, तो वो ये करते हैं कि कम से कम प्राइस में जो है आपको दे देते हैं ताकि उनके पीसेज निकलते जाएं। एक तो उनको अपने टारगेट पूरा करना होता है, और एक उनके कस्टमर मिल रहे होते हैं। देखिए, एक कॉमर्स के अंदर चीज़ होती है ना कि यार आप या तो क्वान्टिटी, या तो आप प्रॉफिट ज़्यादा कर लें तो आपकी क्वान्टिटी कम हो जाएगी, और अगर आप प्रॉफिट कम रखेंगे तो आपकी क्वान्टिटी ज़्यादा निकलेगी। तो अगर वो 40,000 रुपये का बेच रहे थे और एक हफ्ते के अंदर जो है उनके एक फ़ोन बिक रहा था, तो उनको 4,000 प्रॉफिट हो रहा था या 5,000 हो रहा था। तो वहीं पे अगर वो 37,000 का या 36,000 का फ़ोन बेच रहे होंगे, तो एक हफ्ते के अंदर उनके चांसेस है कि 4 फ़ोन बिक जाए, 5 बिक जाए, 6 बिक जाए, मतलब इनकी जो फ़ोन की क्वांटिटी वो बढ़ गई, प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से उनको इन द एंड ऑफ द डे जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिल रहा था। जहाँ उनके 4-5,000 मिल रहे थे, वहाँ पे अगर वो 6-7 फ़ोन बेच दें प्राइस कम की वजह से, तो उनको जो है प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल गया, अगर आप बिग पिक्चर की तरफ देखें तो। और आपको जो है एज अ कस्टमर, आपको भी फ़ोन जो है सस्ते में मिल रहा है। तो एक रीज़न तो ये होता है कि उनको यार कंपटीशन को बीट करना होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी सारी शॉप्स होती हैं और सबको जो है अपने फ़ोन निकालने होते हैं। और दूसरा चीज़ ये होता है कि उनको अपने टारगेट भी अचीव करने होते हैं, क्योंकि जितनी कंपनीज़ है ना, ये जो ओप्पो है, वीवो वगैरह जो है स्पेशली, ये लोग जो जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं उनको टारगेट देती है कि यार अपने इस महीने के अंदर इतने फ़ोन्स को सेल करना है, और उस टारगेट को अचीव करने पर आई थिंक इनको जो है बोनस वगैरह भी मिल रहा होता है। तो ये फ़ोन को सस्ता बेच के अपना वहाँ से भी प्रॉफिट ले लेते हैं, और जब फ़ोन का इनका टारगेट पूरा हो जाता है तो कंपनी की तरफ से भी इनकी जो LP वगैरह है वो उनका सीन भी जो इनका बन जाता है। ये तो हो गई एक रीज़न। अब जो दूसरी रीज़न है जिसके ऊपर जो है मार्केट के अंदर, जिसके ऊपर जो है वीडियोस भी बनी है, जो हमारे पाकिस्तानी कुछ यूट्यूबर्स हैं जिसके ऊपर खालिद भाई ने भी वीडियो बनाई है और टेक इंस्पिरेशन चैनल ने भी वीडियो बनाई है, कि यार दोनों की वीडियो के लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आप उन 4-5 लोगों में से जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी। तो दूसरी चीज़ यह है कि रीपैकिंग हो रही है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा, चाहे वो कोई भी मार्केट हो। उन वीडियोज़ के अंदर जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, एक चांद भाई थे जिनकी शॉप थी, और एक जो है तैयब भाई जिनका अपना खुद का भी चैनल है, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया, और उन्होंने क्लियरली कहा कि यार मार्केट के अंदर रीपैकिंग हो रही है, और रीपैकिंग के ना डिफरेंट कैटेगरीज़ है, मतलब 2-3 तरह की रीपैकिंग हो रही है। तो मैंने सोचा यार मेरे जो चैनल को जो कुछ लोग देखते हैं तो मैं उनको भी बता दूं कि यार मार्केट में किस तरह से हो रहा है और किस तरह से इस चीज़ से बचा जा सकता है। पहली रीपैकिंग तो ये होती है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको टारगेट की बात की थी, कि शॉपकीपर जो होते हैं उनको टारगेट बीट करना होता है, कि यार अगर कंपनी ने उनको टारगेट दिया कि यार आपने इस महीने के अंदर 500 फ़ोन सेल करने हैं, तो उनको 500 सेल फ़ोन जो है वो सेल करने होते हैं। लेकिन अगर महीना ख़त्म होने वाला है और उन्हें समझो 400 फ़ोन भेज दिए, 100 फ़ोन रहते हैं, या 450 भेज दिए, 50 फ़ोन रहते हैं, तो ज़्यादातर शॉपकीपर ये कर रहे हैं कि यार उन 50 फ़ोन को अनपैक करके उनके अंदर सिम लगा के या वाईफाई से कनेक्ट करके उनको जो है एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने से ये होता है कि कंपनी को लगता है कि इन्होंने फ़ोन बेच दिया जब वो फ़ोन एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि जब एक्टिवेट होता है तो ज़्यादातर फ़ोन की जो है वारंटी स्टार्ट हो जाती है। तो कंपनी को लग रहा होता है कि उन्होंने फ़ोन बेच दिया, इनका टारगेट पूरा हो जाता है, लेकिन ये लोग ये करते हैं कि उस फ़ोन को एक्टिवेट करके दोबारा रीपैक कर देते हैं और उसके बाद सेल करते हैं। ये इस चीज़ के अंदर मुझे इतना मसला नहीं लग रहा। मसला उस सूरत में है कि अगर इन्होंने फॉर एग्जांपल फ़ोन को ऑन किया, उसे एक्टिवेट किया,
और अपने फ़ोन पे सेम डे भेज दिया, एक दिन बाद भेज दिया, तो तब तो मसला नहीं है। लेकिन अगर एक महीने इनकी शॉप पे पड़ा रहा और उसके एक महीने बाद इन्होंने किसी को भेज दिया, तो यार उस फ़ोन की जो वारंटी है वो एक महीने पहले स्टार्ट हो चुकी थी, तो तब आपको 12 महीने के बजाय 11 महीने की वारंटी मिल रही है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि अगर आप कोई भी वीवो का फ़ोन लेते हैं स्पेशली, या कोई ओप्पो वगैरह का, किसी दूसरी कंपनी का, तो आपने शॉपकीपर से लाजमी पूछना कि यार ये फ़ोन जो है आपने एक्टिवेट किया है नहीं किया है, इसकी जो वारंटी है वो कब से स्टार्ट है। कुछ फ़ोन जो होते हैं वो उनके ऊपर डेट लिखी हुई होती है, लेकिन कुछ फ़ोन जो है आजकल वो जैसे सिम आप उनमें सिम डालेंगे या उनको वाईफाई से कनेक्ट करेंगे उनकी वारंटी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी न्यू फ़ोन लें तो शॉपकीपर से इस हवाले से बात करें, ताकि शॉपकीपर को लगे कि यार आपके पास नॉलेज है इस चीज़ के हवाले से, कि यार जो मार्केट के अंदर एक्टिवेशन वाला काम हो रहा है आपको पता है, तो वो आपको चूना नहीं लगाएगा, वो आपको बता देगा कि यार ये मैंने कल एक्टिवेट किया था मेरे टारगेट की वजह से और आज आप भेज रहे हो तो इसमें तो कोई मसला नहीं, चलो खैर बंदा है, यार वो भी इंसान है, उसको भी अपना टारगेट पूरा करना है। लेकिन अगर उसने वो जो फ़ोन है एक महीने पहले एक्टिवेट किया हुआ है और अब आपको बेच रहे, तो तब आपने फुल टाइट वाली बार्गेनिंग करनी है। अगर आप इस चीज़ के लगरी होते कि यार उसने एक महीने के लिए उस फ़ोन को एक्टिवेट किया था और दोबारा रिपेक कर दिया था लेकिन एक महीने में बिका नहीं, अब उसके अंदर 11 महीने की वारंटी है, तो आपने उस हिसाब से फिर उससे बारगेनिंग करनी है। एक रीज़न तो ये हो गई, चलो एक जस्टिफाइबल है कुछ हद तक, ये चीज़ जो है जस्टिफाई हो रही है। उसके अलावा एक और तरह की जो रिपेकिंग हो रही है वो ये है कि मार्केट के अंदर ये होता है ना कि आपने आप गए डब्बा पैक, आपने फ़ोन लिया वीवो का Y51 फॉर एग्जांपल आपने लिया, आपको मार्केट से जो है 36-37 हज़ार रुपये का मिला, आप आए, आपने घर में 10 दिन यूज़ किया, 5 दिन यूज़ किया और आपको पसंद नहीं आया, कोई भी रीज़न है XYZ, आपको पैसों की ज़रूरत थी, आप गए मार्केट के अंदर वापस भेज दिया, तो जो फ़ोन आप 36 हज़ार का लेकर आए थे अब आपसे मार्केट के अंदर वो 35-36 हज़ार का कोई नहीं लेगा, वो आपसे ज़्यादा से 33-35 हज़ार रुपये का मार्केट के अंदर आपको आपसे वो लेंगे। तो वो फ़ोन आपसे उन्होंने लिया 5-10 दिन यूज़ हुआ, वह ज़ाहिर है नया नया फ़ोन था, आपने कवर लगा के रखा होगा, उसके बिल्कुल स्क्रैच नहीं होगा, वो न्यू ही लग रहा होगा, तो मार्केट के अंदर ये करते हैं कि यार उस फ़ोन को भी दोबारा रिपेक कर देते हैं और उस फ़ोन को भी एज ए न्यू फ़ोन बेचा जाता है। तो अब उन्होंने आपसे 33.5 का लिया, अब आगे वो 35 का दे देंगे, 35-500 का दे देंगे, तो जो नया बंदा होगा उसको लग रहा होगा यार मुझे डब्बा पैक फ़ोन इतना सस्ता मिल रहा है और अंदर से जो है उसे 5-10 दिन यूज़ हुआ हुआ जो फ़ोन है वो मिल रहा होगा। तो ये चीज़ भी हो रही है मार्केट के अंदर। इसके लिए बंदा ये कर सकता है कि जो रिपैकिंग है उसकी क्वालिटी को देखे, क्योंकि जो कंपनी की जो रिपैकिंग की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही मतलब उनके अंदर ना कोई एजेस वगैरह नहीं होते, कोई निशान वगैरह नहीं होते, बिल्कुल 100% जो है मशीनों से वो पैकिंग हुई होती है। लेकिन मार्केट के अंदर जो पैकिंग हो रही है वो सीलर से होती है, जो एक सीलर एक मशीन आती है उससे होती है, उसके ऊपर हीट गन जो होते हैं वो लगा के उसको सही किया जाता है, तो वहाँ पे जो है लाइन जो है वो टेढ़ी आ सकती है या आपको कोई एज वगैरह दिख सकता है, तो जो पैकिंग की क्वालिटी होती है उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। तो एक तो ये चीज़ हो रही है रीपैकिंग वाली, और जो सबसे ख़तरनाक तरह की रीपैकिंग है ना वो भी मार्केट के अंदर चल रही है, वो ये है कि यार महीने और 2 महीने यूज़ हुआ हुआ फ़ोन भी रिपैक करके बेचा जा रहा है, और जो जिन लोगों को फ़ोन्स का इतना नहीं पता होता, जिनको इतना नॉलेज नहीं होती और उनको इस तरह के फ़ोन बेचे जाते हैं कि यार 2 महीने यूज़ हुआ हुआ है उसे दोबारा रिपैक किया, उनको वारंटी एक्टिवेट का इतना नॉलेज नहीं होती कि यार इसकी वारंटी जो है वो 2 महीने पहले एक्टिवेट हो चुकी है, तो ऑनलाइन वारंटी का उनको इतना सीन पता नहीं होता और वो जो है वो फ़ोन ले लेते हैं और उनको मतलब जो है फ़ोन जो है 2 महीने यूज़ हुआ हुआ फ़ोन मिल रहा होता है। तो यार मार्केट के अंदर ये सब चल रहा है, आप कोशिश करें कि जब मार्केट कोई भी फ़ोन लेने जाए तो उस फ़ोन से रिलेटेड ना आप कुछ रिव्यूज़ वगैरह देख लिया करें, उन फ़ोन की अनबॉक्सिंग देख लिया करें, क्योंकि अनबॉक्सिंग से आपको ये पता चल जाता है कि इस फ़ोन के अंदर क्या क्या एक्सेसरीज़ आ रही है, किस तरह की आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर ये भी होता है ना कि मार्केट के अंदर जो शॉप्स वाले होते हैं वो एक्सेसरीज़ को भी चेंज कर देते हैं, तो अगर आपने किसी फ़ोन की अनबॉक्सिंग नहीं देखी आपको ये लग रहा होगा यार इस फ़ोन के अंदर से यही चार्जर निकलना था, लेकिन जब आप अनबॉक्सिंग देख के जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार इस फ़ोन के अंदर ये चार्जर है, इतने वाट का चार्जर मिलेगा और ये इसका ओरिजिनल चार्जर है। तो अगर मार्केट के अंदर से आपको डब्बा पैक फ़ोन लेते हैं और इसके अंदर चार्जर कोई दूसरा निकलता है या लोकल निकलता है तो, और या कोई हैंड फ्री वगैरह आनी थी उसमें और नहीं आई, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार क्या किस शॉप वाले ने आपके साथ कोई सीन किया है। तो सबसे बेहतर तो ये है कि बंदा ये करे कि आप किसी ट्रस्टवर्दी शॉप से ले जिससे आप फ़ोन लेते रहें, या किसी ऐसी शॉप से लाए जिस पे कुछ शॉप्स होते हैं जिन पे ज़्यादातर लोगों को ट्रस्ट होता है, जिनका मार्केट के अंदर नाम होता है कि यार वो 2 नंबर काम नहीं करते, और वो 500-1000 आपसे ज़्यादा ले लेंगे लेकिन आपको फ़ोन जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल देंगे, बिल्कुल मतलब 100% डब्बा पैक फ़ोन देंगे। तो ये सब चीज़ें चल रही है मार्केट के अंदर, और मैं नीचे 2 जो है लिंक्स आपको दे दूंगा, जो कि खालिद भाई ने वीडियो की है और टेक इंस्पिरेशन ने जो वीडियो की है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, अगर आपने वो वीडियोस देखी नहीं है तो वो भी देख सकते हैं आप, आपको उससे ज़्यादातर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि उस वीडियोज़ के अंदर जो शॉपकीपर है वो खुद ये बात कर रहे हैं कि यार मार्केट के अंदर ये सब चीज़ें हो रही है, और वो जो शॉपकीपर है खैर वो लाहौर वगैरह के आई थिंक, लेकिन कराची सदर मार्केट जो है कराची के अंदर, इसके अंदर मुझे खुद तो नहीं पता किस तरह चीज़ें हो रही है, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं कि होती है, इतनी बड़ी मार्केट है और मार्केट के अंदर अगर 1000 दुकानें हैं तो इसका मतलब कि हज़ारों के हज़ारों जो है सही है इस बीच के अंदर, ज़्यादातर लोग जो है इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं।
तो अगर मेरा कभी चांस लगा कराची में सदर में इस तरह की कोई इंटरव्यू वाली वीडियो बनाने का, तो मैं ज़रूर बना दूंगा। बाकी मेरा मकसद ये था कि यार जो लोग जो है ज़्यादा टेक चैनल देखते नहीं है, अगर सिर्फ मेरे चैनल कोई देख रहे तो उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि यार मार्केट के अंदर जो है फ़ोन सस्ते क्यों मिलते हैं। पहली रीज़न मैंने आपको बता दी थी कि वो डिस्काउंट वाला ये फ़ोन जो है उनको सस्ता मिल रहा होता है, तो वो अगर 40,000 वाला फ़ोन है 36,000 का भी आपको दे देते हैं तो तब भी उनको 500,000 बच ही रहा होता है, तो उनमें उनका आई थिंक गुजारा हो जाता होगा, उनकी अपनी सीन्स होते होंगे क्योंकि एक फ़ोन नहीं बेचते, काफ़ी सारे फ़ोन वो बेचते हैं। तो ये चीज़ थी। उसके बाद रिपैकिंग वाली आपको मैंने सारी सिचुएशन बता दी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, और अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।